नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए क्लास के साथ, और आज का जो क्लास होने वाला है वो है झारखंड सामान्य ज्ञान का। दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम देखेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मुंडा जनजाति के बारे में। दोस्तों मुंडा जनजाति के बारे में जो पहला पॉइंट है, मुंडा झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। दोस्तों पिछले क्लासों में आपने देखा होगा कि जो पहले नंबर पर जो जनजाति आती है जनसंख्या के आधार पर वो है संथाल जनजाति, उसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाली जो जनजाति है वो है उरांव जनजाति, उसके बाद तीसरे नंबर पर मुंडा जनजाति आती है। तो ये तीनों आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, मुंडा अपने आप को होरो को कहते हैं। तो मुंडा अपने आप को क्या कहते हैं? होरोको। होरोको का मतलब क्या होता है? मनुष्य। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, सिंहभूम आदि जिलों में अधिकतर बसे हुए हैं। तथा रांची तथा खूंटी जिले में मुंडाओं का जमाव सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो मुंडाओं का जो विस्तार है वो कौन कौन से जगह में रहते हैं? ज़्यादातर रांची, खूंटी, हजारीबाग, सिंहभूम आदि जिलों में। लेकिन जो इसका मुख्य रूप से इनकी जो घनी आबादी है वो है रांची जिला तथा खूंटी जिला में। इसके बाद अगला पॉइंट है, मुंडा जनजाति का संबंध ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह से है। इनकी त्वचा का रंग काला, नाक मोटी, होठ मोटे, सिर लंबा तथा कद छोटा होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, सभी जनजातियों के बारे में यह जानना कि वो कौन प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं। तो मुंडा जनजाति के जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह के लोगों से बिलोंग करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातीय समूह। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मुंडा समाज के लोगों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो मुंडा जनजाति के लोग भी बहुत सारे गोत्रों में विभक्त रहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं वे बहुत सारे गोत्रों में विभक्त रहती हैं, और उसी तरह मुंडा जनजाति में बहुत सारे गोत्र हैं। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, सामाजिक स्तरण की दृष्टि से मुंडा समाज ठाकुर, मानकी, मुंडा, बाबू भंडारी तथा पातर में विभाजित है। तो दोस्तों हिंदू समाज की तरह इस मुंडा में भी बहुत सारे कास्ट आ गए हैं। अपने आर्थिक और अपने हैसियत के आधार पर बहुत लोगों को जातियों में बांट दिया गया है। उपजाति में मुंडा समाज में बहुत सारी 4-5 उपजातियाँ हैं जिनके बारे में बताऊंगा। जो सर्वश्रेष्ठ मुंडा खुद को कहते हैं, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वो हैं ठाकुर मुंडा। उसके बाद उसके जो नीचे हैं वो हैं मानकी मुंडा, उसके बाद थर्ड में मुंडा, उसके बाद जो फोर्थ पोजीशन में आता है वो बाबू भंडारी, और जो सबसे निचले दर्जे के जो मुंडा माने जाते हैं वो हैं पातर मुंडा। तो ये याद रखिएगा, सामाजिक स्तरण की दृष्टि से मुंडा समाज को 5 भागों में बांटा गया है, और कौन कौन से हैं? ठाकुर, मानकी, मुंडा, बाबू भंडारी तथा पातर। ये अपने सामाजिक हैसियत के अनुसार इन 5 वर्गों में इनको बांटा गया है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुंडाओं के युवा गृह को गीति ओड़ा कहा जाता है। जैसे संथाल समाज के युवा गृह को घोटुल, और उरांव समाज के युवा गृह को क्या कहा जाता है? घुमकुड़िया। उसी तरह मुंडा समाज में भी युवा गृह होते हैं, इनको गीति ओड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों युवा गृह का क्या काम होता है? युवा गृह का काम क्या होता है कि जितने भी युवा होते हैं उस पार्टिकुलर, जैसे मुंडा समाज के जितने भी युवा युवक युवतियां होती हैं उनको बहुत सारे चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है, खास करके गीत संगीत, नाच गान तथा अपने रस्म रिवाज और रीति रिवाजों को के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको युवा गृह कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मुंडाओं में विवाह को अरंडी कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुंडाओं में विवाह को अरंडी कहा जाता है। तो संथाल में क्या कहा जाता था? बापला। तो ये सारे चीज़ आपको याद रखना है, ये सब कभी भी पूछ देता है एग्जाम में, इसलिए मुंडाओं में विवाह को अरंडी कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, वधु मूल्य को कुरी गोनोंग टाका कहा जाता है जिसकी वैधता नहीं है। तो दोस्तों वधु मूल्य क्या है? तो वधु मूल्य के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वधु मूल्य एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो शादी के लिए
जो लड़की के परिवार वालों को कुछ उपहार के रूप में देना पड़ता है लड़कों के द्वारा। जैसे जनरली हिंदू समाज में क्या होता है कि लड़कों को दहेज के रूप में दिया जाता है, लेकिन आदिवासी समाज में जस्ट इसका उल्टा है और लड़कियों को कुछ उपहार स्वरूप या कुछ पैसे दिए जाते हैं जिसको वधु मूल्य कहते हैं। तो वधु मूल्य को मुंडारी में क्या कहा जाता है, मुंडा समाज में, तो कुरी गोनोंग टाका। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मुंडाओं में किस किस प्रकार की शादियां प्रचलित हैं और उनकी विशेषता क्या है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे जो प्रचलित शादी है वो है आयोजित विवाह। आयोजित विवाह किसको कहते हैं, जो अरेंज मैरिज जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, तो वो है आयोजित विवाह। तो आयोजित विवाह के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि माता पिता द्वारा शादी फिक्स की जाती है। तो ये रहा आयोजित विवाह। इसके बाद है राजी खुशी विवाह। तो राजी खुशी विवाह क्या है, जो लड़का लड़की दोनों की जो व्यक्तिगत इच्छा पर ये निर्भर करता है, यानी कि ये एक तरह से लव मैरिज की तरह है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हरण विवाह। तो हरण विवाह क्या होता है, इसमें हाट या मेले में कोई लड़की यदि पसंद आ गई हो तो उसको उठा के घर लाया जाता है, एक तरह से किडनैपिंग है, जो आजकल देखा जाए तो लीगल नहीं है। तो इसको, इस तरह के विवाह को हरण विवाह कहा जाता है। इसके बाद है सेवा विवाह। सेवा विवाह किसको कहते हैं, वर ससुर के घर में सेवा करके वधु मूल्य चुकाता है। तो ये जो सेवा विवाह है तो ऐसे लोगों पर ये होता है जो वधु मूल्य देने के काबिल नहीं है या वधु मूल्य नहीं दे पाते हैं, वो उनको कुछ महीने या साल तक अपने ससुराल में रहकर सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। इसके बाद अगला जो विवाह का प्रकार है हठ विवाह। हठ विवाह क्या है, तो हठ विवाह में होता है कि जो वधू या लड़की होती है वो लड़के के घर में जबरन रहने लगती है। तो इसको, इस तरह के विवाह को बलात् विवाह या हठ विवाह कहते हैं। अगला पॉइंट है विधवा या परित्यक्ता से विवाह को सगाई कहा जाता है। जो विधवा होती है या जो परित्यक्ता यानी कि जो छोड़ी गई होती है, तलाकशुदा औरत होती है, उससे दोबारा शादी को क्या कहते हैं, सगाई। तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यदि स्त्री तलाक देती है तो वधु मूल्य यानी कि गोनोंग टाका लौटाना पड़ता है। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को तलाक दे देती है तो उसको जो वधु मूल्य दिया हुआ रहता है उसको रिटर्न करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मुंडा गाँव का मुखिया मुंडा कहलाता है। जैसे उरांव गांव को मुखिया को क्या कहते थे, महतो। संथाल गांव के जो मुखिया को क्या कहते थे, माझी। तो उसी तरह मुंडा गांव का जो मुखिया होता है उसको मुंडा कहा जाता है। अगला पॉइंट है पंचायत को हातू कहा जाता है। जो मुंडाओं का एक पंचायत होता है उसको हातू कहा जाता है। इसलिए आप लोग देखेंगे रांची और खूंटी ज़िले के बहुत सारे गाँवों के नाम में हातू लगा हुआ रहता है, जैसे सोना हतु, पतरा हतु, बारू हतु, जोजो हतु। इस तरह के बहुत सारे गांव मिलेंगे जो मुंडा समाज से जुड़े हुए जरूर होंगे। तो ये याद रखिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है जिसे परहा कहा जाता है। तो बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है और उसको परहा कहा जाता है। और पंचायत का प्रधान कौन होता है, जो परहा बनाया जाता है 8-10 गांव का, उसका जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, मानकी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मुंडा समाज का अर्थव्यवस्था या उनका जो इनकम है कैसे होता है। तो मुंडा जनजाति के लोग ज़्यादातर खेतीबाड़ी कृषक हैं और इसके अलावा पशुपालन करते हैं और कुछ जंगल से भी उनका इनकम होता है, कुछ मछली पालन करते हैं। मतलब आजकल जितने भी जो पेशा हैं जो सभी लोग करते हैं लगभग, वो सारे चीज़ मुंडा समाज के लोग आजकल करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और दूसरे तरह के भी प्रोफेशन को अपना रहे हैं। इसके बाद मुंडा समाज के धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो मुंडा समाज के जो सर्व प्रमुख देवता है उसको क्या कहा जाता है, मतलब मुंडा समाज के जो सर्व प्रमुख देवता हैं वो कौन है, तो वो हैं सिंगबोंगा। सिंगबोंगा को मुंडा समाज में अपना सर्व प्रमुख देवता माना जाता है। तो सिंगबोंगा जो देवता है वो सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है या एक तरह से सूर्य देवता ही है।
इसके अलावा मुंडाओं में बहुत सारे देवी देवता हैं, उनके बारे में ही बता देते हैं। हातूबोंगा किसको कहते हैं? ग्राम देवता को। हातू मतलब ही गांव होता है, तो गांव के देवता को हातूबोंगा कहा जाता है। इसके बाद है एक देशावली। देशावली क्या है? गांव की जो सबसे बड़ी देवी मानी जाती है उसको देशावली कहा जाता है। इसके बाद है ओड़ाबोंगा। ओड़ाबोंगा क्या है? अपने कुल का हर परिवार और अपने कुल का एक देवता होता है, उसको ओड़ाबोंगा कहा जाता है। उसके बाद है बुरुबोंगा। बुरुबोंगा क्या है दोस्तों? झारखंड में पहाड़ों को पूजने की रीति है, तो उसको बुरुबोंगा को पहाड़ देवता कहते हैं। इसके बाद है इकीरबोंगा। तो इकीरबोंगा क्या है? जो जल का देवता होता है उसको इकीरबोंगा कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, और आज के क्लास में हमने डिस्कस किया मुंडा जनजाति के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और द की पॉइंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।